अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब कुछ ठीक नहीं होगा। आज मैंने हार मान ली। आज आपकी बेटी हार गई बहू। अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अब मैं लक्ष्मी को और दुख और चोट नहीं पहुंचाऊंगी। अब मैं उसे और परेशान नहीं करूंगी। अब मैं ऋषि और लक्ष्मी को अलग भी नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी। और कौन इसे मनुष्य कहता है? कौन है वो जो लक्ष्मी को मनुष्य बोलता रहता है? कौन है वो? वो मनुष्य नहीं है, वो भाग्यशाली है। मैं जितनी कोशिश करती हूँ उसे बदनाम करने की, उतना उसका नाम हो जाता है। मैं जितना कोशिश करती हूँ कि वो बुरी दिखे, वो उतनी महान बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो भाग्यशाली है, वो भाग्य लक्ष्मी है, वो सच में भाग्य लक्ष्मी है। और उसका भाग्य ना, उसका भाग्य इतना अच्छा है कि उसने सीएम की किस्मत बदल दी, वरना सीएम तो मर जाती। उनका मरना तय था। हाँ, ओजस उन्हें मार देता। पता क्यों नहीं मार पाया? क्योंकि मैंने बोला था कि जाके लक्ष्मी को मार दो, इसलिए बेचारा हार गया। बेचारा नहीं, इसलिए ओजस हार गया। अनुष्का, क्योंकि मैंने लक्ष्मी को मारने के लिए कहा था। अगर इतना ही अच्छा भाग्य है ना उसका, तो मुझसे और नहीं होगा। मैं और नहीं रह सकती। अनुष्का, अनुष्का बेटा प्लीज। मैं नहीं रह सकती, मैं थक गई हूँ। लक्ष्मी को मुझसे जो भी चाहिए ले ले, मेरा डेडी चाहिए ना, ले ले। संभाल लो भाभी। आप लोग मुझे इस तरह से देख रहे हो ना, क्योंकि आज मैं हार गई है ना। भाभी आप आज लक्ष्मी को मारना चाहती थी। हाँ, मैं उसे मारना चाहती थी, और मैं चाहती भी थी कि वो मर गई होती। काश मर गई होती, नहीं मरी, जिंदा है। इसलिए तो बोल रही हूँ उसका भाग्य बहुत अच्छा है। मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं जीत जाऊँ? सच में चाहती हूँ, और नहीं हार सकती। मैं एक और बार नहीं हार पाऊंगी। हार गई मैं। मलिष्का, बस यही सुनना चाहती थी मैं इतने सालों से। जस्ट वेट, रुको। हाँ जी, ये देखो, हटो अनुष्का। देखो देखो मलिष्का, उठो तो सही। देखो देखो, तुम्हारे लिए रिश्ते आ रहे हैं। देखो, जब से लक्ष्मी तुम्हारे घर में आई है ना, तब से तुम्हारे रिश्ते आने फिर से शुरू हो गए हैं। कोर्ट ने जब से वो ऐतिहासिक फैसला बताया है ना, तब से रिश्ते आने लग गए। लोग तुम्हारे रिश्ते की बातें कर रहे हैं। चेक सीना, देखो विच वन डू यू लाइक, बताओ कौन सा पसंद है। दिमाग खराब है आपका? खराब हो चुका है क्या? मुझे सिर्फ मेरा ऋषि चाहिए, और कोई नहीं जानती है क्या आप? अच्छा, तो फिर बंद करो अपना ये नाटक। तुम पहले कभी ऐसी नहीं थी। मुझे पता है तुम क्या चाहती हो, इसलिए अपना ये बच्चों वाला नाटक रोना धोना बंद करो। किसी को चाहती हो ना तुम, तो शिद्दत से चाहो, वरना मत चाहो। तुम जानती हो ना, वो अब जानते हो ना कि मैं क्या चाहती हूँ। अरे लेकिन मलिष्का, वो कोई फर्नीचर तो नहीं है ना, जो मैं तुम्हें वो मार्केट से लाकर तुम्हारे हाथ में दे दूं। अगर तुम उसको सच में चाहती हो तो वर्क टुवर्ड्स इट, उसके लिए कुछ करो ना। और अगर तुम चाहती हो कि वो तुम्हारी जिंदगी में ना रहे, तो छोड़ दो उसे। रहने दो ऋषि और लक्ष्मी को शांति से एक साथ। व्हाट? मम्मी आप कह रही हैं? क्या आप मुझे सच में नहीं पहचानते? अरे ठीक है, पढ़ जाती हूँ मैं, कमजोर कभी कभी आ जाते हैं ऐसे वीक मोमेंट्स मेरी लाइफ में, तो मैं सब कुछ बोलने लगती हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं जो भी बोलती हूँ वो सच है। नहीं मोम, आप जानते हो कि मैं क्या चाहती हूँ, तो प्लीज मेरी सोच कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए आप। और ऐसे बेकार के फैसले मत सुनाओ मेरे, ऐसे वीक मोमेंट पे बेस्ड। प्लीज ऐसे ओपिनियंस मत क्रिएट करिए अपने दिमाग में। आप जानती हैं, आप क्या सब जानते हैं कि मुझे सिर्फ मेरा ऋषि चाहिए? सब जानते हैं, सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं घर में। ये सही बात है, घर में सब लोग इन्हें सपोर्ट करते हैं, ऑलमोस्ट सब लोग। और मैं भी भाभी को पूरी तरह से सपोर्ट करती हूँ। मुझे पता है अनुष्का, तुम इसे सपोर्ट करती हो और पूरी फैमिली तुम्हें सपोर्ट करती है, लेकिन तुम क्या कर रही हो? दूसरों को काम दे रही हो कि जाओ जाके लक्ष्मी को मार दो, मतलब जान से ही खत्म कर दो। मलिष्का, हो कौन तुम? मेरी बेटी है कोई मर्डरर? आई एम सॉरी। नहीं मॉम, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैंने बहुत गलतियां की है ना, अब नहीं करूंगी। अब जो करूंगी ना, मैं खुद करूंगी और अपने हाथों से करूंगी। होगा,
ये लक्ष्मी का भाग्य होगा बहुत अच्छा, लेकिन मैं भी आज के जमाने की लड़की हूँ और अपना भाग्य मैं खुद लिखूंगी। ठीक, अगर ये लड़ाई लक्ष्मी भाग्य और मनीष का भाग्य के बीच है ना, तो यही सही, मैं लिखूंगी अपना भाग्य। और मैं आपको बताऊं कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है, कि ऋषि सिर्फ आपकी बेटी का होगा। कल जन्माष्टमी है ना, कल जन्माष्टमी पे ऋषि की राधा मैं ही बनूंगी। कल लिखूंगी मैं अपना भाग्य, मलिश का भाग्य। अपना आत्मविश्वास, अपनी इच्छा शक्ति, साहस और समझ जब एक साथ होते हैं तो दुनिया का कोई भी काम असंभव नहीं होता। इसकी मिसाल पेश की है लक्ष्मी ओबेरॉय ने। लक्ष्मी जी ने ना सिर्फ आतंकवादियों का मुकाबला किया बल्कि राज्य की मुख्यमंत्री सुलोचना पाटिल जी की भी जान बचाई। आज ओबेरॉय परिवार, राज्य की मुख्यमंत्री और ये पूरा प्रदेश यदि सही सलामत है तो सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी ओबेरॉय की वजह से। ऐसे मुश्किल और खतरनाक हालातों में जब लोग सिर्फ अपनी जान की परवाह करते हैं, उस वक्त लक्ष्मी ओबेरॉय ने अपने परिवार, अपने बच्चों और सबसे ऊपर अपने देश की परवाह की और उन्हें सुरक्षित रखा। देखा, हर तरफ लक्ष्मी ही लक्ष्मी छाई हुई है, कितनी तारीफ हो रही है उसकी। लक्ष्मी है ही ऐसी, जहाँ जाती है सब अच्छा हो जाता है, सबका अच्छा हो जाता है। और क्या बहादुरी दिखाई है उसने, अब तो पूरी दुनिया मान गई है इस बात को। हाँ आंटी जी, बहादुर तो है, उसने सीएम को बचाया है। और हम भी तो सब ठीक ठाक अपने घर में जिंदा बैठे है। किसकी वजह से? लक्ष्मी की वजह से, क्यों करिश्मा? हाँ मॉम, आई मीन टू से ऑफ कोर्स ये सब उसी की वजह से हुआ है, क्योंकि आतंकवादियों का क्या भरोसा कब किस पर गोली मार दे, और अगर हम में से किसी को कोई गोली मार देता तो हम तो बचते ही नहीं फिर। सही कह रही है पुत्र, बस ऐसा समझ लो जैसे मौत सामने खड़ी थी। लेकिन लक्ष्मी, लक्ष्मी डरी नहीं, डटी रही, मौत का सामना किया और देखो हम सबको बचा लिया। और इस बात को तो मुझे लगता है नीलम भी मानेगी। हाँ मम्मी जी, हम भी स्वीकार करते हैं इस बात को। ऐसे वक्त में जब ज्यादातर लोग डर जाते हैं और समझदारी से काम नहीं लेते, लक्ष्मी ना तो डरी और उसने बहुत समझदारी भी दिखाई। हाँ एक्चुअली अगर उसने वो प्लान नहीं बनाया होता तो पता नहीं गॉड नोस क्या होता। होता क्या, वो लोग सीएम को मारने आए थे वही करते और शायद हम भी नहीं बचते, इसलिए जो भी हुआ वो लक्ष्मी की समझदारी की वजह से ही। तो सब मान रहे हैं कि जो किया लक्ष्मी ने किया। हम हमेशा सच्ची बात को मानते हैं मम्मी जी, और इस वक्त सच्चाई यही है कि सबको लक्ष्मी ने ही बचाया है। ओह गॉड, जस्ट लुक एट देम, वक्त क्या बदला, ये भी बदल गए। कल तक तो ये लोग मेरे साथ थे, लेकिन अब ये लोग भी लक्ष्मी के गुणगान गा रहे हैं। आई हेट लक्ष्मी, आई हेट हर, आई विश वो मर गई होती। मलिष्का, अनुष्का, तुम दोनों कहाँ गई थी? वो मैं और भाभी वो मेरे साथ गई थी बाहर काम से, एक्चुअली कल की तैयारियां करनी है ना। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।